भी रोते हैं कि रात को पानी नहीं मिलता। एक महीने का कितना बिल? 400 रुपया जी। अगर एक दिन लेट हो तो 60 रुपया जैसे माना लेता। इसका केस कोई नहीं हो सकता जी, ये सरकार के नाम का मीटर लगा हुआ है। 15 दिन से पानी बंद है, ये कूफा नहीं है, कैपिटल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा बुखारी। आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के इलाके पंडोड़िया में, और यहां पे पानी का जो मसला है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तकरीबन 15 दिनों से यहां पे पानी मौजूद नहीं है, और यहां के जो अहले इलाका हैं वो पानी की कमी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। यहाँ के जो वाटर सप्लाई कंपनी है और वापटा की तरफ से, इनका कहना है कि वापटा और साथ में यूनियन काउंसिल के सरबराह, इन सब की मिली भगत की वजह से यहाँ पर जो है पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। और यहाँ के वापटा ने तकरीबन 81 लाख रुपए यहाँ का बिल आया है, और यहाँ का मीटर काट के ले गए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे की, यहाँ पे जो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं पानी लेने आए हैं, लेकिन पानी जो है 15 दिनों से बंद है। यहाँ के लोगों से, बच्चों से बात करते हैं कि पानी नहीं मिल रहा आप लोगों को? जी हमें पानी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ही पानी 15 दिन हो गए नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है? मीटर ही इधर से लगा के लुलवा के उतार के चला गया, कहते हैं इधर पानी है, बिल जमा कर दो। आप लोगों ने बिल नहीं जमा करवाया? हमारे चेक ही कर ले, आप बिल भी सब कुछ चेक कर ले, सब क्यों नहीं आ रहा? फिर क्या पता क्यों नहीं आ रहा, पानी इधर से बंद हो गया। नहीं वो पानी 15 दिन तो नहीं आ रहा, तो पानी मल्ले से मांगते हो तो मल्ले से भी बस मुश्किल, पानी बहुत मुश्किल है। तो फिर कैसे गुजारा कर रही है? यहाँ पानी नहीं है तो फिर कैसे? हम बस थोड़ा बहुत कोई कूलर की तो लेके आओ, जाके देख लो हर चीज उसी तरह पई हुई, कपड़े तो उन्होंने हर काम उसी तरह पे है, छोटे छोटे बच्चे तो फिर बस के करे। 15 दिन तो नहीं आ रहा पानी, 1 वीक से ऊपर हो चुके पानी नहीं आ रहा, और हमारे घर में बिल्कुल पानी एंड है। और नेबर्स के घर जहाँ बोरिंग हुई हुई है वहाँ से हम पानी के लिए मांगने के लिए बात करें, बट देन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बैडली रिस्पॉन्स है। वो कह रहे हैं 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, कितने दिन काम चलेगा? इनको कुछ तो सोचना चाहिए कि हम का क्या, हमारा क्या कसूर है? हम तो यूजर्स लोग जो भी हैं वो तो बिल टाइम पे जमा करवा रहे हैं हमें। हालांकि लास्ट टाइम इन्होंने बोला है कि आप 2 मंथ्स का अगर बिल जमा नहीं करवाएंगे देन 3rd मंथ में आपका हम मीटर काट देंगे, हम आपको यहाँ से कनेक्शन काट देंगे। हम तो टाइम पे जमा करवा रहे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मुझे 1 महीना ना जमा करा, 2 महीने में कट काट देते हैं, मीटर काट के ले जाते हैं, कहते हैं कि बिल नहीं जमा कराया। ये 4 साल हो गए वापदा वाले किधर से, उन्होंने भी नहीं बोला है कि हम क्यों नहीं बिल जमा कराते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमें इस चक्कर का कोई पता नहीं चलता है क्या चक्कर। आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत और ये बीच में सारे लोग मिले हुए हैं? मिले हुए ना, मिले नहीं है तो ये क्या देखने, एक आदमी इतना पैसा खा सकता है, 80 लाख रुपया खा सकता है? मैं कह रही हूँ कि 80 लाख रुपया बिल कोई थोड़ी सी चीज़ तो नहीं है, लेकिन हम लोगों से ये लोग बिल लेते रहे तो फिर ये लोग हमें पानी क्यों नहीं देते? इफ्तार सती साहब जो है कितने दिनों से छुपे हुए हैं, और कल से सामने आए हैं कि मैं ये काम करूँगा वो काम करूँगा, जुमरात को आपको पानी दूँगा। 2 हफ्ते हो गए कोई जुमरात उनकी नहीं आई है, लेकिन हमें पानी चाहिए, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारी 100 जरूरतें हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, वाशरूम इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको पता है पानी पीने के लिए हम लोग इस्लामाबाद से लाते हैं जाके, ये कोई तरीका नहीं है। किसी को अगर यहाँ किसी की बोरिंग है उसे बिल पे भी पानी मांगे तो वो कहते हैं हम लोग नहीं देंगे। 15-20 दिनों का है, गर्मी है, बच्चे तड़प रहे हैं और प्यासे हैं, पानी कौन कौन मंगवाए? टैंकर जो इतना महंगा है, गरीब बंदा तो नहीं मंगवा सकता ना पानी, और गर्मी है, बच्चे अगर नहाए नहीं, धोए नहीं, कपड़े ना धोए, पीने के लिए भी नहीं आए ना, चलो पीने के लिए मिल गया था तो वो भी अच्छा है, लेकिन इंसाफ करें हमारे साथ, ये बहुत परेशानी आई हुई है, आज 20 दिन हो गए हैं, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, हमारे बाथरूमों में बदबू आ रही है, बच्चे तड़प रहे हैं, और इंसानियत नहीं है, इंसाफ नहीं है। बिल इधर से बंदों ने दिया है लेकिन आगे हमें नहीं पता किधर दिया है, ये नहीं पता है, लेकिन ये इंसाफ करें हमारे साथ, क्योंकि बच्चे तड़प रहे हैं और पानी नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि यहाँ पे हम बिल जमा करवाते थे लेकिन अब 15 दिनों से पानी का कनेक्शन नहीं आ रहा, पानी बंद है, मीटर वापटा वाले काट के ले गए हैं, 81 लाख रुपए बिल आया, लेकिन अब जो ये यहाँ इस घर में इन्होंने बिल जमा करवाया लेकिन अब ये ओपन नहीं कर रहे डोर, तो ये यहाँ पे आप लोग थे जमा कराने रहे हैं, आपके घर में छत के नहीं देखो उठे भी अच्छे जमा कराने रहे हैं, पहले उठे कराने रहे हैं फिर इतने कराने रहे हैं, तो असम पानी ना भी
ਆਸਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੱਛੇ ਪੀਓ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ ਆਈਏ ਮੀਟਰ ਲਗਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਤਾ ਬਿਲ ਤੁਸੋਂ ਗਲਾਈਂ ਸੋ ਇਹ ਕਸੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੁੱਟਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸ ਕਿਧਰ ਗੱਛੋਂ ਆ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਜਮਾ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮ ਬਿਲ ਵਗੈਰਾ ਜਮਾ ਕਰਵਾਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਾਂ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਹਮ ਬਿਲ ਲੇਤੇ ਹਨ ਤੋ ਵੋ ਪੈਸੇ ਤੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹਨ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲੈ आगे उन्होंने अपने लिए एक बंदा रखा हुआ जो बिल वगैरह हम मुलाजम हैं हम पैसे लेते हैं हम बिल भी लेते हैं हम लोगों से बिल लेते हैं वो शाम को आके हमसे पैसे ले जाते हैं हाँ ये देख ले सारा ये आप देख सकते हैं कि ये रजिस्टर ये आप देख सकते हैं ये इन्होंने रजिस्टर रखा हुआ है यहाँ पे ये महाना के तौर पर जब इनसे मैंने बिल का आज से 1.5 साल पहले मैं शोर करने लगा बिल जमा करवाओ बिल जमा करवाओ इन्होंने बिल नहीं जमा करवाया ठीक है ये सब अमला मिला हुआ है वापडा वाले भी इसके साथ मिले हुए हैं अगर दो दिन पहले वो आप तस्वारम भी उतारने आए थे देखे ये वाम कितनी जलील हो रही है अभी आप शाम को आए तो आपको पता लग जाएगा बच्चे क्या क्या कर रहे हैं अंकल पानी दे मैं किधर से दूं उनको पानी ये देखें सब लोग यहाँ के बिल जमा करवा रहे हैं ये देखें ठीक है जनाब ये देखेंगे एक महीने का कितना बिल 400 रुपया जी अगर एक दिन लेट हो तो 60 रुपया जुर्माना लेता है जी ठीक है और 15 दिन से जद्दोजहद मैं कर रहा हूँ कोई बात मेरी सुनना नहीं रहा ये जो बिल जमा होते थे ना ये बिल आगे नहीं जमा होते थे जो पानी खोता था उसके पास बिल जमा होते थे वो आगे जमा नहीं करा था वह पैसे खुद खाता रहा अब्दुल गफ्फार खान अब्बासी ठीक है उसके बाद वो मोहर लगा कर दे देता था रजिस्टर पर एंट्री नहीं होती थी कुछ बिल्लू की रजिस्टर पर एंट्री नहीं होती थी बिल उनके वाले करता था मोर मार कर ये बात है उसके बाद करोड़ों लखों रुपये गफ्फार जो है वो खा गया क्या बताऊँ पूरे इलाके में तकरीबन 1100-1200 तकरीबन 1500 के करीब कनेक्शन है और ये हम लोग से बिल जमा करते हैं हर महीने तकरीबन 400 रुपये अगर लेट हो जाए तो 60 रुपये साथ इजाफी टैक्स लगा के हमसे वसूल करते हैं और 3500 रुपये तकरीबन कनेक्शन का लेते हैं और इन्होंने अगर बिल जमा नहीं करवाया तो हुकूमत को चाहिए इन्हें पकड़ें लेकिन इसमें वापडा को भी चाहिए कि भाई 2 साल 3 साल या 4 साल का बिल उन्होंने पहले क्यों नहीं भेजा हमारा तो दूसरे महीने वो मीटर काट के ले जाते हैं ठीक है ना ये तो सबकी पर्सनैलिटी इसको बनता है कि लेकिन हम लोग 15 दिन से महरूम हैं बिल्कुल पानी है नहीं और आप लोग वापडा के ऑफिस नहीं गए वापडा के ऐसे दरख्वास्त तो हमने जमा करवाया वापडा वाले यहाँ पे आते हैं फिर चले जाते हैं कोई उन्होंने चारा जो इसमें नहीं की पूछा नहीं है कि हमारा 2 माह के बाद कनेक्शन काट दिया जाता है ये 4 साल से बिल जमा नहीं हुआ पूछा तो ये बात सुन के चले जाते हैं वहाँ से वापडा वाले हालांकि तो मीटर काट के ले गए हैं अब इफ्तखार साहब हैं जो यहाँ के ऑनर हैं जिन्होंने ए ट्यूबवेल का सारा सिस्टम चलाया है और वो लोग कह रहे हैं हम सुबह जमा करवाएंगे शाम जमा करवाएंगे 15 दिन गुजर गए अब नजर ही नहीं आते पता नहीं किधर हैं और ये लोग सारे कोशिश कर गए थे वापडा ऑफिस के पास उन्होंने आगे से कहे कि ये आप तो आपके सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को हम देते रहे नोटिस जो लीगल नोटिस होता है उनका हम उनको देते रहे उनने लास्ट टाइम जो हमने नोटिस भेजा है उनने कहा है कि आप इनका मीटर काट के ले जाएं चेयरमैन जब चेयरमैन जो यूसी का चेयरमैन है मलक आमर उनने कहा है कि ये मेरे पास मिन्नत करने आएंगे तो हम इनके इनका मसला हल करवाएंगे वापडा के ये अल्फाज थे ये आप देख सकते हैं ये इन्होंने स्लिप दी है ये मैनुअल स्लिप है ये हाथ से लिखी हुई स्लिप है दुनिया चांद पे चली गई है लेकिन पाकिस्तान अभी तक कंप्यूटराइज सिस्टम इख्तियार नहीं कर सका और ये हाथों से लिखी हुई स्लिप है ये बिल पेड मोर लगी हुई है इनकी वाटर सप्लाई के जो सदर हैं इफ्तिखार सत्ती साहब उनके ये उनकी मोर लगी हुई है और इनका ये होता था कि महीने के 10 बाकायदा ऑफिस की तरह बकायदा ऑफिस इनका कोई भी नहीं है सबसे पहले जब बिल बकाया हुआ है 60-70 लाख रुपए उनने अपनी तरफ से गेम हटाने के लिए इनके गिरफ्त बिल भेज दिए कि यहाँ पे जमा करते रहें आज अगर इनके खिलाफ अगर ये लोग उठे हुए हैं तो इनकी इनका भी फॉल्ट बनता है और इफ्तिखार सत्ती का भी और हम लोगों का भी बनता है सबसे पहले हमारी जवाबदारी बनती है कि हमें चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था कि इतना बिल बकाया क्यों हुआ है अब हो गया है तो फिर इसके खिलाफ इफ्तिखार सत्ती साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन
इधर कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मसाजबी दोनों की ऑलरेडी बोरिंग मौजूद है। यहाँ मेरी पर्सनली लिखूँ जिस इलाके के पीटीआई का एक ही हल्का है जिसके अंदर चेयरमैन जीता हुआ है, चेयरमैन मलिक अहमद से मेरी डायरेक्ट फ़ोन पे बात हुई है, उसके एसएमएस वाइस एसएमएस मेरे पास से मौजूद हैं। मेरी वाइस चेयरमैन मलिक सोहेल से बात हुई है, सोहेल सती से, उसके मैसेज मेरे पास मौजूद है, उन्होंने भी उम्मीद दिलाई है। मेरी यहाँ के जो लेबर काउंसिल है एहसान उस सती उससे डेली बात होती है, लेकिन सब टोपी ड्रामा है, हर कोई मेरे झूठी तसलियाँ दे रहा है, सारा कुछ कहता है कि आपका दर्द हमारा दर्द है, लेकिन 20-21 दिन हो चुके घर के अंदर पानी नहीं है। मैं खुद मतलब के मरीज़ हूँ और मैं उठा उठा के लोगों के घरों से पानी भर के दूसरी स्टोरी पे जाकर वाशरूम में रखता हूँ, किचन के लिए आटा गूंदने के लिए रखता हूँ, घर वालों के लिए रखता हूँ, वो वजू करें, हम खुद मच्छर में वजू कर रहे हैं, एक एक दिन बूंद में पानी को तरस रहे हैं। और इतनी बड़ी करप्शन के मदर ऑफ करप्शन केस ये है, 3-4 साल से बिल यहाँ से भी लिया जा रहा है करोड़ रुपये में, यहाँ से लाखों लाख रुपये लिया जा चुका है, और जो आगे डिलीवर करना था वारदा में इसको मैं जमा कराना था वहाँ जमा भी नहीं कराया गया, पानी नहीं आ रहा है। बच्चे मतलब लोगों के घरों से लेने जाते हैं, 15 दिन हो गए इसी उम्मीद पे कि शायद आज ट्यूबवेल ठीक हो गया या कल होगा। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस ट्यूबवेल को गवर्नमेंट लेवल पे किया जाए ताकि ये प्राइवेट जो इस तरह ट्यूबवेल है इसमें लोग पैसे खाते हैं, और हम लोग बिल भी पे करते हैं उसके बावजूद भी हमें 15 दिन से ये मसला हो रहा है कि पानी नहीं मिल रहा। 15-16 दिन हो गए और हम लोग छोटे छोटे बहन भाई हैं, दूर दूर से वो लेके आते हैं, और गर्मी इतनी सख्त है तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और पानी के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस चीज़ का जो है कोई सोल्यूशन निकाले। पानी आएगा तो हम औरतें भी घर में कुछ बनाएंगी, बर्तन धोएंगी, कोई काम करेंगे, पानी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा। और हमारी अपील है इमरान खान से कि ये आके हमारा मसला थोड़ा जो है ना हल करे। सर आप आ सकते हैं, हमने आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है सारे, हम इसी ट्यूबवेल के सिलसिले में आए हुए हैं। जी 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 जी। क्या करना है वहाँ पे आपने वापटा लोग, वापटा का तो कहना है कि आपने बिल नहीं जमा करवाया। सोलर पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? इसको सोलर पे करवा रहा हूँ, अभी उधर से ट्यूबवेल से ही होकर मैं आया हूँ इधर। तो सर आप कब तक आ सकते हैं, हमने आपसे बात करनी है, मिलना है, लोग काफी परेशान है। आप जो बात करना चाहते हैं मुझसे आप बात कर लें, अभी कर लें। तो सर ये यहाँ के लोगों का कहना है कि वापटा का और आप जो है मिली भगत है, इस वजह से 4 साल से बिल जमा नहीं हो सका। देखें मैडम, अभी अल्फन कुरानन में जो आपको बात कहूँगा वही आपने करनी है, बेशक आप करें जो सच की बात है, ठीक है जी। जी जी। कोई ना वापटा को कोई अलकार इसमें मुलव्वस है, ना किसी कमेटी का कोई अलकार इसमें मुलव्वस है, ठीक है जी। वापटा की गलती ये जरूर है कि उन्होंने 43 मंथ मुझे बिल नहीं भेजा है। ये सामने यूनियन काउंसिल स्वान के नाम आता है, ये सेक्रेटरी है, जिसका नाम सेक्रेटरी है, फोत हो चुका है। ये बंदा फोत हो चुका है और 81,85,461 रुपए टोटल बिल है ये सामने ये, और ये आवाम के बिल हैं जो हर महीने जमा होते हैं। इसका केस कोई नहीं हो सकता जी, ये सरकार के नाम का मीटर लगा हुआ है इस पर, यानी वो दरख्वास्त भी नहीं ले रहे। ये नीचे दरख्वास्तें दफ्तर में गए और ये दरख्वास्त लिख के दी है, दरख्वास्त उन्होंने वसूल नहीं की, कहते जी ये सरकार के नाम की अपना मीटर है, ये दरख्वास्त हम वसूल नहीं कर सकते। द प्राइम मिनिस्टर नियर टू प्राइम प्रेसिडेंट हाउस कैपिटल, 15 दिन से पानी बंद है, ये कूफा नहीं है कैपिटल है, और वापडा वाले कहाँ पे सोए हुए हैं? किसी का घर का बिल शार्ट हो तो सेकंड मंथ में वो प्लास लेके आ जाते हैं मीटर उतारने के लिए। 81,08,000 बिल है, अगर मिली भगत नहीं है तो कैसे हुआ है ये? और यहाँ पे ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं। कल आए अली नवाज अवान साहब यहाँ पे, उनसे किसी ने बोला तो उन्होंने बोला जी जिसको पैसे दिए उसे वसूल कर ले। MLA जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये लोग देखे ना ये पानी के लिए तरस रहे हैं। अवान साहब का उन्होंने बोला है कि जिसे दिए उसे वसूल। जी यहाँ पे बंदे मौजूद हैं जिसको उन्होंने बोला है, यानी बोला कि मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। ना बार कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया है, ये लोगों को देखा ना पानी के लिए तरस रहे हैं। ये 15-17 दिन हो गए हमारे घर पानी एक कतरा भी है, और बड़ी मुश्किल से ये किसी के घर से ला के इस्तेमाल करते हैं, पानी नहीं वो देते, बच्चे डालने के लिए भी नहीं है। कहेंगी आप हुकूमत से क्या कहेंगी? यही हमारा मीटर उतार रहे हैं, पर क्या ये लगाए यार के? आपकी बहुत मेहरबानी हो गई और ये मीटर लगाए, हमारे बच्चे भी रोते हैं कि रात को पानी नहीं मिलता, तो बिल्कुल पानी का पीने का बिल्कुल नहीं मिल रहा आप लोगों को, कहीं भी नहीं मिल रहा। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 6 हैं। ये
देखिए इनके छः छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कहना है कि हमें यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं पीने का मिल रहा। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि हमने अली अवान साहब को वोट दिया था ताकि वो हमारी जो है मुश्किलात कम कर सके, लेकिन अली अवान साहब ने उनसे जब कहा गया कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आपने जिसको पैसे जमा करवाए हैं उससे जाके आप मांगे पानी। तो देखें ये हुकूमत की तरफ से रवैया है कैसा। इमरान खान साहब ने वोट लिया था इस वादे पे कि पानी दूंगा, बुनियादी ज़रूरियात लोगों को मुहैया करूंगा, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं मिल रही। तो प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।